हेलो दुरंद्रो, नमस्ते, राम राम। मैं हूँ अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 27 सितंबर और प्रातः सुबह 6 बजे डेली करंट का तहलका मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके आने वाले सभी पेपरों के लिए। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ आप सभी को, जैसे कि पहले ही बताता आया हूँ, एसएससी के थ्रू जैसे कि मैंने लिख भी रखा है, एसएससी या बैंक से रिलेटेड या फिर एनडीए स्टेट पीसीएस तक के डेली करंट के तहलके के अंतर्गत जितने मैं 10 से 12 क्वेश्चन करवाता हूँ प्रॉपर तरीके से आपके आने वाले जिस भी पेपर की, इनमें से जो पेपर होने वाले हैं, एसएससी हो, बैंक हो, आरबीआई के जैसे कि बैंक है तो एनडीए के हो, स्टेट पीसीएस तक के जो भी एग्जाम होते हैं, कपल्स डे या वन डे एग्जाम होते हैं, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरी डेली करंट का तहलका। ठीक है, प्रातः सुबह 6 बजे मेरी क्लास आ जाती है। और मैं बता दूं अपने भाइयों को, यह इसकी जो पीडीएफ होती है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा या फिर टेलीग्राम पर जाकर के आप अमित जी के सर्च कर लेना, प्रॉपर तरीके से वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सितंबर के महत्वपूर्ण दिवसों की सूची बताता हूँ अपने भाइयों को। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर, राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, इंजीनियर दिवस आपको बता चुका हूँ कई बार 15 सितंबर, और जो सेवा दिवस जो कि मेरा एक छाला हो रहा है जीव के, थोड़ा सा बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, राष्ट्रीय बेटी दिवस 25 सितंबर को। ठीक है, एक और है 26 सितंबर को, जो जो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। 26 सितंबर को कौन सा दिवस होता है, क्या कि 26 जो सितंबर है इस दिन किसके रूप में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं कर रहा हूँ, पर्यावरण और वन और किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है, इंपोर्टेंट है, किस मंत्रालय के द्वारा। तीन हो जाएंगे, मतलब वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य की है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, तो थोड़ा मैं बता दूं इसके पॉइंट कौन कौन से हैं कि 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करने के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, इस सर्वे के लिए 131 शहरों की जनसंख्या के आधार पर 3 समूह में बांटा गया है। पहला जो समूह है 1 मिलियन से अधिक आबादी जिसमें 47 शहर शामिल है, वहीं दूसरा समूह जो 44 शहरों के साथ है 3 से 10 लाख है, तीसरा समूह जो 3 लाख से कम आबादी वाले 40 शहर ऐसे शामिल किए गए हैं। शहरों को मंत्रालय का ऑनलाइन पोर्टल एक सेल्फ असेसमेंट करना होगा। शहरों को जो मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर, ये इंपॉर्टेंट है, जो शहर ऑनलाइन पोर्टल जो बनाया गया उस पर स्वयं मूल्यांकन करना होगा, और ठोस अर्धशिष्ट प्रबंधन, भवन निर्माण सामग्री, मलबे प्रबंधन, प्रदूषण में कमी जैसी गतिविधियों को, उपाय को रिपोर्ट करनी होगी। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये चीजें हर साल की जाएंगी और हर साल उपयोगी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाएं कौन लॉन्च करेंगे, इंपोर्टेंट है आपके द्वारा। मैंने इसके ऊपर एक क्लास बनाई है, आप प्रॉपर तरीके से जा करके देख सकते हो। 5G के ऊपर कल ही क्लास बनाई है, सॉरी परसों मैंने क्लास बनाई है, नहीं कल ही बनाई है। ठीक है, 5G के ऊपर प्रॉपर तरीके से पूरी डिटेल बताई है, कहाँ कहाँ ऑलरेडी हो चुका है, कहाँ इसका पूरा इतिहास मैंने प्रॉपर तरीके से बताया है, और किस दिन इसको लॉन्च किया जाएगा, सभी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं अपनी रिसीव अफेयर की क्लास में, आप देख सकते हो कल की ही क्लास है। ठीक है, तो पीएम मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, 1 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। मैं बता दूं इंडियन मोबाइल कांग्रेस, ठीक है, ये छठी मतलब वर्षगांठ बना रहा है इसका। 1 अक्टूबर 2017 को इसका उद्घाटन मतलब स्थापना हुई थी प्रॉपर तरीके से, और छठी वर्षगांठ बनाई जा रही है। आइए थोड़ा मैं बता दूं, प्रधानमंत्री के द्वारा जो 1 अक्टूबर नई दिल्ली के इंडियन मोबाइल कांग्रेस में भारत अतिरिक्त तौर पर 5G लॉन्च करेंगे, और मोदी द्वारा दिल्ली में इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत करेंगे, और IMC 2022 में 5G के आसपास कई सत्र हैं। ये आयोजन 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक चलेगा, ये भी आपको पता होनी चाहिए, और जब लॉन्च होगा तब और मैं प्रॉपर तरीके से करवा दूंगा अपने भाइयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी वालों के लिए। ठीक है, यूपी पैट का जैसे क्वेश्चन आने वाला है उनके भी इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपको दिख रहे होंगे चीफ मिनिस्टर साहब, योगी साहब। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ये योजना, इस योजना के तहत सरकार परियोजनाओं की कुल लागत 40% तो है, भवन, अस्पताल, स्कूल, सामान्य सेवाएं जो 60% है,
वो योगदान आम नागरिक को द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये सभी चीजें प्रॉपर तरीके जो अनाउंसमेंट हुई है, गुरुवार को मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव समिति द्वारा आयोजित किसान मेला और ग्रामीण विकास प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए कहा, किसने, योगी साहब ने। इंपोर्टेंट है, आपसे पता लग सकती है, मतलब क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से मैंने डिटेल वाइज यहाँ दे दिया आपको। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मतिथि थी, और नोट करते हुए पंडित 25 तारीख को बता रहा हूँ, 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रूप में, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के रूप में, और उन्होंने कहा है कि इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। मैंने प्रॉपर तरीके से इसके बारे में बता चुका हूँ करंट अफेयर में। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस किस दिन और कब से कब तक सेवा पखवाड़ा बनाया जा रहा है, ये प्रॉपर तरीके से ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर राजीव बहल को 3 साल के लिए किसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीएम MR, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनको क्या बनाया गया है, यहाँ का महानिदेशक बनाया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है डायरेक्टर जनरल कौन बने ICMR के। आइए मैं थोड़ा बता दूं इनके बारे में। डॉक्टर राजीव बहल ICMR के नए महानिदेशक स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव होंगे। डॉक्टर राजीव बहल वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य WHO की बता रहा हूँ संगठन के साथ मात्र, नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य सह नवजात इकाइयों में अनुसंधान प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं फिलहाल। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डॉक्टर राजीव बहल को नियुक्ति की मंजूरी दे दी है, और पहले ये डॉक्टर बहल जो साहब थे ICMR अतिसार रोग अनुसंधान के लिए उन्नत केंद्र में वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में काम किया था इन्होंने पहले। ठीक है, ICMR के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर बलराम भार्गव का विस्तृत कार्यकाल 2 जुलाई 2022 को समाप्त हो गया था, और इनकी जगह ले रहे हैं डॉक्टर राजीव बहल। ICMR की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है, राजीव बहल पहले किस में काम करते थे, किस चीज के वर्तमान, मतलब इससे पहले किस पर पद पर विराजमान थे, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने पॉइंट में आपको बता दी है। आइए थोड़ा मैं बता दूं ICMR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना 1911 में हुई, यह जैव चिकित्सा अनुसंधान के समन्वय और प्रचार के लिए भारत में एक शीर्ष निकाय है। यह दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े चिकित्सक अनुसंधान निकायों में से एक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है मेरे भाइयों, इंग्लिश में मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन सिंफोनी का उद्घाटन किया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल मेरे भाइयों के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर किशन रेड्डी के द्वारा इस सिंफोनी का उद्घाटन किया गया है। आइए मैं थोड़ा बता दूं, उत्तर पूर्व में भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इंपोर्टेंट है, उत्तर पूर्व बोला तो नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, डॉक्टर जो जी किशन रेड्डी ने वर्चुअल सम्मेलन सिंफोनी का उद्घाटन किया। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 24 और 27 सितंबर 2022 को एक वर्चुअल सम्मेलन सिंफोनी का आयोजन किया जा रहा है जो भी आज खत्म हो जाएगा। यह सम्मेलन अनुच्छेद सौंदर्य पर प्रदर्शित करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। ये इस सम्मेलन में नीति विचारक, राज्य पर्यटन बोर्ड, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, द ट्रेवल एंड टूर ऑपरेटर हिस्सा ले रहे हैं। सिंफोनी का मुख्य उद्देश्य है पर्यटकों और टूर ऑपरेटरों को सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए वन स्टॉप समाधान विकसित करना है। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट मैंने लिखवाए हैं जो कपल डेज एग्जाम होते हैं उनसे यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो प्रॉपर तरीके से इन पॉइंटों को लिख कर आ जाओगे आप, जैसे कि स्टेट PCS तक के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमार बेटी हमार मान, इंपोर्टेंट है, ये अभियान चला गया तो आपको दिख रहे होंगे छत्तीसगढ़ के। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनका नाम क्या है, इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के कौन है और क्या है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है बताना आपने। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस राज्य में हमारी बेटी हमार बेटी हमार मान अभियान घोषणा की। इसके अभियान के तहत लड़कियों के कानूनी अधिकार, गुड टच बैड टच, यौन अपराधों के बारे में सूची किया जाएगा। ये मेन विषय है, मेन थीम है उनकी। ठीक है, उनको अवेयरनेस लाए इस चीज को लेकर, बहुत ही बढ़िया काम है मेरे भाइयों। राज्य पुलिस की महिला अधिकार और कर्मचारी लड़कियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच और बैड टच, छेड़छाड़, यौन शोषण, साइबर अपराध, सोशल मीडिया अपराधों की सुरक्षा के लिए सिखाएगी। ठीक है, हमार बेटी हमार मान अभियान के तहत ये सभी चीजें होंगी, और एक हेल्पलाइन नंबर भी मतलब दिया जाएगा, इसमें डाला जाएगा। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, आप पढ़ सकते हो पॉइंटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारत सहित कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर भी मैंने क्लास बनाई है, में तत्काल और व्यापक सुधारों का आह्वान किया है। टोटल जो देश है 39 है, 30 है, 33 है, 32, तो 32 देशों के साथ भारत सहित है ये 32 देश यूएनसी में, ये जो आपके सामने तत्काल व्यापक और सुधारों का आह्वान किया गया है। टोटल 32 देशों ने ये चीज मतलब आगे बढ़कर आई इस चीज को लेकर। आइए मैं बता दूं क्या चीज है, महासभा जो 77वीं मतलब जो यूएनएससी में जो बैठे हुए 77वीं सम्मेलन मतलब 77वां इवेंट था, और 77वें सत्र के दौरान 32 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को नया जीवन का आग्रह किया है। हस्ताक्षरकर्ताओं में ब्राजील है, डोमिनिका है, ग्रेंडा, हेती, भारत, जमैका, मंगोलिया, नाइजीरिया, पपुआ न्यू गिनी, दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला आदि शामिल है। एक संयुक्त बयान में हस्ताक्षरकर्ताओं ने आग्रह किया है कि गरीबी, जलवायु परिवर्तन, महामारी, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष आदि जैसी विभिन्न चुनौतियों को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है। ये सभी चीजें, ये मेन मेन पॉइंट रखे गई हैं। संयुक्त वक्तव्य के दोहराया गया है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणी में विस्तार की आवश्यकता है। इसमें काम करने के तरीकों में सुधार भी प्रस्ताव रखा गया है। किसमें? इस महासभा के अंदर जो भी चीजें उठकर आई हैं, टोटल 32 देशों ने ये जो नया जीवन देने के आग्रह किया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कौन सी सत्र में क्या है ये पूछा जा सकता है, कौन सी सभा थी ये पूछा जा सकता है, टोटल कितने देश थे ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। आइए थोड़ा मैं बता दी यूएनएससी, इसके बहुत बार चर्चा कर चुका हूं मैं, एक बार और बता दूं अपने भाइयों को, यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं, 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, इंक्लूडेड इन इंडिया। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब टोटल कितने इनको वर्ष हो जाएंगे ये मुझे इन कमेंट मुझे बताना, ठीक है, इस संगठन को बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किसने राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 प्रदान किए, इंपोर्टेंट आपको दिख रहे होंगी, ठीक है, राष्ट्रपति मुर्मू साहब जी, ठीक है। इनके बारे में बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको प्रॉपर तरीके से। ये थोड़ा मैं बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 42 पुरस्कार प्रदान किए हैं, 2 विश्वविद्यालयों, 10 NSS इंपोर्टेंट इकाइयों और 30 स्वयंसेवक ने पुरस्कार प्राप्त किए। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार हर साल युवा मामले विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। और जो मैंने इसमें कई कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय, NSS इकाई है, NSS स्वयंसेवक है आदि अधिकारियों द्वारा गया उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। वर्तमान में ये NSS के देश भर में लगभग 40 लाख स्वयंसेवक हैं। NSS वर्ष 1969 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक समुदाय सेवा के माध्यम से युवाओं को व्यक्तित्व और चरित्र का विकास कराना है NSS के द्वारा। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। मैं बता दूं NSS क्या है, राष्ट्रीय सेवा योजना होती है। ये हर साल NSS जो कि 24 सितंबर के दिन बनाया जाता है, 1992-93 के दौरान युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था NSS को, राष्ट्रीय सेवा योजना को। पुरस्कृत निम्नलिखित श्रेणी आपको दे रखी है, मैंने पढ़ लेना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, जो ये क्वेश्चन है आज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन के बारे में। ज्वलन गोस्वामी ने अंतरराष्ट्रीय किस खेल से संन्यास की घोषणा की है, तो आपको प्रॉपर तरीके से दिख रही है, क्रिकेटर है, वोमेन क्रिकेट में इंडिया की तरफ से भाग ले रही है, मतलब कुल मिलाकर भारत की तरफ इन्होंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया करियर अपना संभाला है, ठीक है। आइए मैं बता दूं, उन्होंने अपना आखिरी मैच 24 सितंबर को लॉर्ड्स में खेला, इंग्लैंड के खिलाफ खेला, ठीक है। ज्वलन गोस्वामी पश्चिम बंगाल की 39वीं वर्ष गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है। उन्होंने भारत के लिए 12 टेस्ट खेले हैं, 68 T20, 203 एकदिवसीय, कुल 283 मैचों में 353 विकेट लिए हैं। ये भी एक इतिहास बना इनका, ठीक है। 2002 में डेब्यू किया था, 2007 में ये ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत चुकी हैं। 2007 के अंतर्गत इनको अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री प्राप्त कर चुकी हैं। कौन? ज्वलन गोस्वामी, जो कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं, ठीक है मेरे भाइयों। सभी चीजें इंपोर्टेंट है, कहीं से भी किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन नहीं रहने दूंगा, बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं, किस दिन को विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, 26 सितंबर को यह मनाया जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विश्व गर्भ निरोधक दिवस। आइए मैं थोड़ा सूचित कर दूं अपने भाइयों को, विश्व गर्भ निरोधक दिवस जो होता है हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है, एक गर्भ निरोधक और प्रजनन अधिकारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2007 में मनाया गया था। यह जन्म नियंत्रण और परिवार नियोजन के महत्व को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। 1994 में जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह कहा गया था कि सभी जोड़ों और व्यक्तित्व की अपनी संतानों की संख्या और अंतर चुनने का स्वतंत्र अधिकार है, ठीक है।
भैया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बिल्कुल आपके लिए। आपसे पूछ सकता है गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, कब से शुरुआत हुई, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी मेरे भाइयों को, इन कमेंट मुझे बता सकते हो आप प्रॉपर तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा मेरी जीभ में दो छाले हो रहे हैं, ठीक है, तो उससे थोड़ी सी जीभ पलटा मार रही है, उल्टा सीधे वर्ड भी बोल रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, सॉरी मांगता हूँ, सॉरी मांगता हूँ अपने भाइयों से। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी मेरे भाइयों, और इन कमेंट मुझे बता देना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और अपने भाइयों बिल्कुल फ्री है मेरी जीके से रिलेटेड जो भी टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है, या फिर जो मेरा कोर्स पढ़ा हुआ है निःशुल्क है, बिल्कुल PDF आप प्राप्त कर सकते हो सब कुछ की, एक एक क्लास की, एक एक प्रैक्टिस सेट की, ठीक है, और विषय अफेयर की सभी चीजें प्राप्त कर सकते हो ऑन टेलीग्राम पर। आप जाकर के मेरे चैनल को उसको उस ग्रुप में ऐड हो जाओ, और वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, हर चीज की प्रॉपर तरीके से लिंक दे रखा है मैंने, वहां से आप, यहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से प्रॉपर सीधा टेलीग्राम पर पहुंचोगे और उसमें ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते हुए अपने भाई से विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।